दोस्तों एक बार फिर से लेके आ गया हूँ नई वीडियो। इस वीडियो में है मेरे पास Redmi Note 10। अब ये फ़ोन मैंने मंगाया क्यों, क्योंकि ये 12,000 में वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है। इसके अनबॉक्सिंग करते हैं और बताते हैं सारे फीचर्स क्या हैं, साथ में मैं इसमें अपना रिव्यू भी दूंगा कैसा है फ़ोन और क्या क्या खासियत है, क्या ख़राब बातें हैं सारा कुछ बताऊँगा, क्या आपको परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये भी बताऊँगा, कैसे इसकी क्वालिटी और फीचर्स। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नमस्कार टेक्नोलॉजी लवर्स, अगर आप मेरे चैनल AJ Tech Info पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचें। दोस्तों ये है मेरे पास स्मार्टफोन Redmi Note 10 का, और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये ग्रीन कलर मैंने मंगाया, ये मेरा फेवरेट कलर है। तो आप लोग भी अगर ये परचेस करना चाहते हो तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर बॉक्स की बात करें तो यहाँ पे आपको Xiaomi की ब्रांडिंग दिखती है, इंडियाज नंबर वन स्मार्टफोन ब्रांड। अगर पीछे की बात करें तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर देखने को मिलते हैं, डिस्प्ले के बारे में बताया गया, कैमरे के बारे में बताया गया, बैटरी कितनी है और इसका प्रोसेसर कितना है, वो सारा चीज़ तो हम बाद में देखेंगे। लेकिन अगर ये वेरियंट की बात करूँ तो मैंने ये 4GB और 64GB वेरियंट मंगाया है, एक्वा ग्रीन कलर इसको बोलते हैं, और यहाँ पे मेड इन इंडिया की ब्रांडिंग दी गई है। तो ये मुझे 12,000 में पड़ा, तो 12,000 में ये वर्थ डील मुझे लगी। और अगर इसकी सार वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे जो सार वैल्यू दी गई है वो विद इन द इंडियन स्टैंडर्ड है। तो सारा कुछ देखते हैं और इसको अनबॉक्स करते हैं। अगर पहले बात करें तो यहाँ पे आपको फ़ोन मिलता है, ये साइड रखते हैं, ये तो लास्ट में बताऊँगा क्योंकि यही तो मेन है, इसके बारे में हमें बात करना है। और देखें अगर बॉक्स कंटेंट क्या है, अगर बॉक्स कंटेंट की बात करें तो यहाँ पे आपको एक TPU केस मिलता है जिसकी क्वालिटी अच्छी है, और बहुत अच्छी नहीं है बट हाँ 12,000 के हिसाब से अच्छी क्वालिटी है। तो ये सब साइड में रखते हैं और देखते हैं। और अगर इधर बात करें तो यहाँ पे आप सिम ट्रे टूल मिलता है। अगर चार्जर की बात करें तो यहाँ पे आपको इसका अडाप्टर जो मिलता है ये है 33 वाट का, तो मतलब कि 12,000 में 33 वाट का चार्जर। और जैसे कि आप लोग देख भी पा रहे हैं कि 33 वाट यहाँ पे आउटपुट गिवेन है, तो 12,000 में 33 वाट का चार्जर मिल रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और अगर यहाँ पे देखें तो आपको ये टाइप सी केबल मिलती है। सारी चीज़ें साइड में रखते हैं, अब आते हैं फ़ोन की तरफ। फ़ोन को रैपर से अनरैप करते हैं। दोस्तों जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि बहुत ही कमाल का डिज़ाइन देखने को आपको मिलता है। यहाँ पे कैमरा बम्प की अगर बात करें तो थोड़ा सा ज़्यादा है, और ये लग नहीं रहा कि ये Xiaomi का फ़ोन है, क्योंकि जो पहले फ़ोन्स आते थे बहुत ही हैवी होते थे, और ये तो बहुत ही इसका फॉर्म फैक्टर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। ज़्यादा वेट भी नहीं है, हल्का वेट भी है, और डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन भी बहुत ही प्रीमियम लग रहा है। ये प्लास्टिक बैग मिलता है, ग्लास जैसा दिखता है बट ये प्लास्टिक बैग है। और यहाँ पे आपके कैमरे का कटआउट दिया गया है, और इस साइड देखें तो यहाँ पे आपको पावर बटन में ही फिंगरप्रिंट दिया गया है, और यहाँ पे आपको वॉल्यूम रॉकर्स बटन मिलते हैं। और ऊपर की बात करें तो यहाँ पे आपको एक सेकेंडरी स्पीकर मिलता है, और IR ब्लास्टर सेकेंडरी माइक, और यहाँ पे आपको सिम ट्रे मिलती है। अगर सिम ट्रे ओपन करके दिखाते हैं, अगर सिम ट्रे ओपन करके देखें तो यहाँ पे आपको दो सिम तो मिलते हैं, साथ में आपको डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड लगाने का मिलता है। अगर नीचे की बात करें तो यहाँ पे आपको टाइप सी पोर्ट मिलता है जिसमें चार्जिंग भी बहुत ही फास्ट है। यहाँ पे 3.5 mm जैक मिलता है, यहाँ पे माइक, यहाँ पे देखें तो आपको सेकेंडरी स्पीकर मिलता है, इट मीन्स आपको डुअल स्पीकर मिलते हैं, डुअल स्टीरियो स्पीकर। तो मतलब जो साउंड की क्वालिटी होगी वो भी बहुत ही शानदार होने वाली है, जो कि स्पेशली आपने महंगे फ़ोन्स में ही देखा है, इसमें भी आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों फ़ोन को बूट करते हैं और देखते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है। तब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों हमने फ़ोन को सेटअप कर लिया, और अगर फ़ोन की बात करें तो बहुत ही अच्छी डिस्प्ले लग रही है। पहली बार मैं देख रहा हूँ जो सुपर AMOLED डिस्प्ले है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की यहाँ पे आपको दी गई है। अगर इसके पीक ब्राइटनेस की बात करें तो यहाँ पे 1200 nits की ब्राइटनेस दी गई है,
और अगर फ़ोन में बात करें तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फालतू के ऐप्स देखने को मिलते हैं, सारा कुछ आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे ये जिली विली दिया गया है, तो इन्हें आप पहले सबसे पहले इनको हटाएं, पहली फुर्सत में निकालें। दोस्तों अगर डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले की क्वालिटी तो मुझे बहुत ही शानदार देखने को लग रही है। यहाँ पे आपको जो डिस्प्ले मिलता है 6.67 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है और यहाँ पे आपको पंच होल में कटआउट दिया गया है कैमरे का कटआउट। दोस्तों ये जो डिस्प्ले आपको मिलती है 60 हर्ट्ज की है, इसमें कोई फास्ट रिफ्रेश रेट नहीं मिलता है, लेकिन 12000 में इतनी अच्छी सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल रही है तो इसको मैं अपने तरफ से एक थम्स अप कहूँगा। और अगर डिस्प्ले की बात कर ही रहे हैं तो हम एक वीडियो प्ले करके देख लेते हैं कि इसकी जो डिस्प्ले क्वालिटी है कैसी है। तो दोस्तों डिस्प्ले की क्वालिटी की बात करने से पहले, यूट्यूब में आने से पहले सबसे पहला काम है वाईफाई को कनेक्ट करना, जो कि मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट काम है। अब हम अपने वाईफाई को कनेक्ट करते हैं और ये 5G स्पीड वाला हम सिलेक्ट करेंगे। जिसको मेरा वाईफाई का पासवर्ड पता चल गया वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। अब आते हैं यूट्यूब की तरफ। अब जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने खुद भी देखा कि जो डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही शानदार है, आवाज़ की क्वालिटी बहुत ही अच्छी, स्टीरियो इफेक्ट यहाँ पे आपको मिलते हैं जो कि जिनकी क्वालिटी बहुत ही शानदार देखने को मिलती है। और अगर आपको एक कमाल की वीडियो दिखाएं जो कि बहुत ही वायरल है तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों आप लोग भी ऐसे ही सब्सक्राइब बटन पे हाथ मार दो। दोस्तों अगर इसके OS की बात करें तो यहाँ पे आप सेटिंग में जाते हैं, अबाउट सेक्शन में आप जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको MIUI 12 मिलता है जो कि एंड्रॉयड 11 पे बेस्ड है, और जैसा कि आप लोग खुद भी देख सकते हैं ये एंड्रॉयड 11 है। आपको यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है लेटेस्ट वाला, और ये बहुत ही शानदार बात है। अगर यहाँ पे देखें आपको 19GB की स्टोरेज ऑक्यूपाइड है, बाकी आपको फ्री मिलती है। जो सिक्योरिटी पैच मिलता है यहाँ पे आपको जनवरी का मिलता है, और जल्दी आपको लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच 12.5 MIUI के साथ देखने को मिलेगा, और भी बहुत सारी स्पेसिफिकेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे आपको 4GB की रैम मिलती है, ऑक्टा कोर एक CPU दिया गया है, एंड्रॉयड 11 मिलता है, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो सारा चीज़ साइड में हटाते हैं। दोस्तों अब आते हैं इसके परफॉर्मेंस पे। परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन 678 CPU मिलता है, जो कि एक ऑक्टा कोर CPU है, और इसमें जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो भी बहुत ही शानदार होने वाली है। मैं इसका एक गेमिंग रिव्यू करूँगा तो आप उसके लिए स्टे ट्यून्ड कीजिएगा। आप लोग खुद भी देखें तो कोई भी परफॉर्मेंस में इशू नहीं आता, थोड़ा बहुत जिटर आता है जो कि MIUI का कमाल है, और बाकी यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है परफॉर्मेंस में। आप यहाँ पे हैवी टास्क कर सकते हैं और अच्छे अच्छे गेम्स खेल सकते हैं, तो आप इसके गेमिंग रिव्यू के लिए स्टे ट्यून्ड करें। दोस्तों अगर इसकी सिक्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको पावर बटन में ही फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है। मैं पावर बटन पे फिंगरप्रिंट को सेटअप करता हूँ और दिखाता हूँ कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो मैं फिंगरप्रिंट को सेटअप करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि परफॉर्मेंस इसकी। दोस्तों एक बात तो है कि डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी मिलती है, जो एमोलेड डिस्प्ले दी गई बहुत ही शानदार है, ऐसा नहीं कि कुछ भी चूरन छाप चीज़ें दी गई हैं। और ये मैंने फिंगरप्रिंट को ऐड कर लिया है, साथ में ही फेस अनलॉक भी यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। यहाँ बात फिंगरप्रिंट बहुत ही अच्छे से काम करता है, बहुत ही फास्ट अनलॉक करता है। और अगर फेस अनलॉक की बात करें तो बहुत ही शानदार, देखिए तो फेस अनलॉक भी बहुत ही शानदार काम करता है। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जिसका आप वेट कर रहे थे वो है इसका कैमरा। कैमरे की बात करें तो वो भी एक हाईलाइटिंग फैक्टर है। अगर फ्रंट कैमरे की बात करें तो यहाँ पे आपको 13 मेगापिक्सल का एक पंच होल डिस्प्ले में कैमरा मिलता है, जिसकी क्वालिटी हम आगे देखेंगे कि कैसी है। अगर पीछे की बात करें तो यहाँ पे आपको 48MP का सोनी का सेंसर दिया गया है,
जो कि एक ट्रू 48 MP कैमरा है, वो भी हम देखेंगे कैमरे की क्वालिटी कैसी है। दोस्तों यहाँ पे आपको दो 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 मेगापिक्सल की कैमरे चिपका दिए गए हैं, एक माइक्रो सेंसर है और एक डेप्थ सेंसर आपको दिया गया है। अगर कैमरा लेआउट की बात करें तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर मिलते हैं, जैसे HDR AI मिलता है और भी ऑप्शन में आपको जाए प्रो कलर मोड है, मूवी फ्रेम, मतलब फीचर्स तो माइक्रो का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है। और पोर्ट्रेट मोड में अगर जाते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे फीचर मिलते हैं, जैसे स्लो मोशन है, टाइम लैप्स, पैनोरमा, बहुत सारे फीचर हैं। और 48 मेगापिक्सल का डेडिकेटेड एक कैमरा ऑप्शन दिया गया है, तो सारी चीज़ें हम देखते हैं। वीडियो की बात करें तो यहाँ पे आपको जो रिकॉर्डिंग ऑप्शन मिलता है 4K 30 FPS में आपको देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और अगर फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे आपको 13 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, जो कि कैमरे क्वालिटी तो मुझे 13 मेगापिक्सल के हिसाब से तो बढ़िया ही लग रही है। दोस्तों ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है इसी के 48 मेगापिक्सल कैमरे से हो रही है, और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जो आवाज़ आ रही है आपको इसके माइक्रोफोन से आ रही है, तो आप लोग खुद भी देख के बताएं कि कैमरे की क्वालिटी कैसी है। और अगर फोकस की बात करें तो एक कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट लेता हूं, तो आप खुद भी देखना कि ये ऑटो फोकस करता है या नहीं। तो फोकसिंग थोड़ी सी इसकी मुझे ऑटो फोकसिंग में दिक्कत लग रही है, अभी ये फोकस कर लिया है। और अभी आप लोग बताएं कि कैमरे की क्वालिटी कैसी है। दोस्तों और अगर जूम थोड़ा सा करते हैं, ओके, दोस्तों अगर आपको Redmi Note 10 की अनबॉक्सिंग पसंद आई तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी धमाकेदार सी वीडियो लाता रहूंगा, क्योंकि इस चैनल में आपको मिलेगी सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट, वो भी बेस्ट प्राइस में। कैसे खरीदना ये मैं आपको बताऊंगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।